हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। सो गाइस, जिस वीडियो को अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस, कुछ इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस टाइप की इंक स्प्लैश लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने कैपकट ऐप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख लें। देखो ना यहाँ मेरा हाल कैसा है। ओके, सो अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को जो कि वो लास्ट तक देखना है, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिया है बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, एंड अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो वहाँ पर जो कि वो कैपकट ऐसे नहीं चलता, तो वहाँ पर आपने वीपीएन से कनेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करने के बाद फोटो वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर आपको अपनी 4 फोटोज को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, कपल फोटोज हो जैसा कि यहाँ पर आपने प्रीव्यू में देखा था, एंड कुछ इस टाइप की फोटोज आपको जो क्या वो पिंटरेस्ट ऐप से बिल्कुल फ्री जो क्या वो मिल जाती है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट वीडियो पे टैप कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ये जो न्यू कैपकट का वर्जन है उसके अंदर आता है, तो यहाँ पर आपने इसको नॉर्मल कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पर फ्रेम के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट फोटो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से एडजस्ट है, मतलब हमारे फ्रेम के अंदर। एंड देन यहाँ पर आपको अपनी सेकंड फोटो पे टैप करना है, एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपनी 2 फिंगर की मदद से यहाँ पर आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं बाकी भी जो कि फोटोज है उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नीचे ऐड ऑडियो पे टैप करना है, एक्सट्रैक्टेड पे टैप करना है, एंड देन यहाँ पर आपको अपने म्यूजिक से वीडियो से म्यूजिक ले लेना है। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पर ले सकते हो। एंड देन जो आपने प्रीव्यू में देखा तो मैं वो यहाँ पर म्यूजिक ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, बाद आपको यहाँ पर नीचे से स्लाइड करना है, आपको बीट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपने अपने म्यूजिक को यहाँ पर प्ले करना है, तो जहाँ पर आपका फर्स्ट लिरिक्स खत्म हो वहाँ पर आपको एक बीट ऐड कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम अपने ऑडियो के अंदर बीट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सुनना है, एंड सिंपली आपको नीचे ऐड बीट्स पे टैप कर देना है जहाँ पर भी आपका लिरिक्स खत्म हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमारे बीट्स ऐड हो चुके हैं, एंड कुछ इस तरह से आपने अपनी फोटो को भी उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको जो क्या वो यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्या वो कुछ ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक फेड वाली ट्रांजेक्शन मिलेगी, सिंपली यहाँ पर आपको टैप कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई टू ऑल पे टैप कर देना है, एंड इसकी टाइम ड्यूरेशन को 0 to 0.5 सेकंड तक रख देना है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमारी फोटो चेंज होगी, मतलब कि फेड लगेगी, जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद सिंपली आपको अपनी फोटो पे टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको नीचे से स्लाइड करना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस पे टैप करके यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, जितना कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी यहाँ पर इतना कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शार्पन पे टैप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर शार्पन पे टैप करोगे तो उसके बाद आपको भी इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा जो कि वो इंक्रीज कर देना है, ठीक है, 22-25 कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको नीचे सिंपली अप्लाई टू ऑल पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर हमारी फोटो के ऊपर कुछ इस टाइप से ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि थोड़ी डार्क हो जाएगी, इससे हमारे लिरिक्स जो क्या वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखेंगे। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर अपने लिरिक्स टाइप करने हैं, ठीक है। लिरिक्स लिखने के लिए सिंपली टेक्स्ट पे टैप कर देना है, एड टेक्स्ट पे टैप कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपको एक हार्ट वाला आइकॉन जो कि वो यहाँ पर मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने उसको यहाँ से ऐड कर देना है, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है। एंड यहाँ से जो कि आप जो मटेरियल मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो यहाँ पर आपको जो कि वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पर जो कैपकट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी यहाँ पर आपको पिन के अंदर मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर जो कि वो कुछ इस टाइप से करना है। एंड देन उसके बाद आपने अपने फर्स्ट लिरिक्स को यहाँ पर आपने कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कि वो नीचे फॉन्ट के वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, एंड देन यहाँ पर आपको एक फॉन्ट मिल जाएगा, फ्री हैंड वाला फॉन्ट, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर टैप कर देना है। ऐसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास फॉन्ट आ जाएगा।
एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा यहाँ वाला, ठीक है, ये यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है, नीचे स्टाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपको कलर अच्छा लगे आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कुछ इस टाइप से, ये ब्लू वाला जो क्या वो स्काई ब्लू वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर शेडो पे टैप कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको जो क्या वो ब्लैक शेडो को सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्लर को जीरो कर देना है बिल्कुल एंड इसको जो क्या वो ओपेसिटी को बिल्कुल 100 कर देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन पे टैप कर देना है। एनिमेशन पे टैप करने के बाद इन एनिमेशन के अंदर जस्ट आपको एक एनिमेशन देनी है जिसका नेम है टाइप 2, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पर नीचे 1 सेकंड तक सेट कर देना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर डन पे टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो क्या वो डन कर देता हूँ एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको नीचे की तरफ करके लगा देना है, ठीक है। पूरा फ्रेम है आपके पास, जहाँ पर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देता हूँ एंड देन उसके बाद आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन को भी यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे से स्लाइड करना है एंड देन इसको आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है एंड अपने सेकंड फोटो के नीचे भी कुछ इस टाइप से आपको लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सेकंड लेयर इसको यहाँ पर जो क्या वो कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप के अंदर सेव किए हुए हैं तो यहाँ से जो क्या मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली इसको जो क्या वो ऊपर पेंसिल वाले आइकॉन पर टैप करके यहाँ पर आप अपने म्यूजिक को भी जो क्या वो सुन सुन के यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो क्या वो पेस्ट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा हाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका कलर जो क्या वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर रख देता हूँ या फिर कोई और भी रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आई थिंक ग्रीन ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको शेडो पे टैप करना है, वही ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर आपको ब्लर को जो कि वो जीरो कर देना है एंड ओपेसिटी को यहाँ पर 100 करके कुछ इस टाइप से आपने कर देना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपने इसकी टाइम ड्यूरेशन को भी जो कि वो थोड़ा सा कम कर देना है एंड देन कुछ इस तरह से जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपने भी कुछ इस तरह से जो कि वो इसको कॉपी करके जो कि अपनी पूरी वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको नीचे लगा देना है, ओके। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारे लिरिक्स यहाँ पर प्ले होंगे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कि वो एक इंक स्प्लैश वाला जो इफेक्ट है आपने देखा होगा वो कैसे ऐड करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे ओवरले पे टैप करना है, ऐड ओवरले पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर जो कि इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे ऐड पर टैप कर देना है। तो जैसे आप ऐड पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड देन आपने ऊपर क्रॉस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको क्रॉस करके नॉर्मल कर देना है एंड देन यहाँ पर अपनी 2 फिंगर की मदद से कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर जो क्या वो अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर लगा देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो क्या वो ब्लेंड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ठीक है। ब्लेंड वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपने इसको लाइटन कर देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक कर देना है एंड देन ऐसे ही आपको करना है, आपको यहाँ पर नीचे वाले अपनी जो हमने इंक स्प्लैश वाला क्लिप ऐड किया इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर आपने अपनी सारी फोटोज के नीचे कुछ इस टाइप से आपने लगा देना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक लास्ट काम आपका रह गया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट्स में जाना है एंड देन यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग के अंदर यह एक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा, कहाँ गया भाई, ये आ गया, ठीक है, रिपल डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है एंड देन आपको ऊपर डन पर टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पर डन के ऊपर टैप करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पर प्ले करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर मतलब के थोड़ी सी हमारी फ़ोटो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर शेक हो रही है, ठीक है। तो उसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले तो हम इसका जो कि वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ अपने इफेक्ट के ऊपर एंड यहाँ पर सिंपली नीचे एडजस्ट पर टैप करना है। एडजस्ट पर टैप करने के बाद आपने इसकी सेटिंग वगैरह को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 10 to 50 रखना है, ज़्यादा आपने नहीं रखना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो कि वो नीचे डन पे टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शार्पन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो बन जाती है, बट मेरा मोबाइल थोड़ा सा लैग होता है तो इसलिए यहाँ पर आपको जो कि वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपकी गैलरी में ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी भाई। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इसकी जो क्या वो रेजोल्यूशन वगैरह कुछ इस टाइप से आपने एडजस्ट कर देना है। फुल HD के अंदर आपने ऊपर एरो वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर आपने सेव टू डिवाइस पे टैप करके यहाँ पर इसको सेव कर लेना है।
तो कुछ इस टाइप से ये वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिखे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।